बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। कॉमन सिविल कोड पर मुस्लिम समुदाय में ही इतना शोर क्यों है? क्या कॉमन सिविल कोड पर मुसलमानों में भ्रम फैलाया जा रहा है? लॉ कमीशन ने अभी इस मामले पर जनता से राय मांगी है, लेकिन उससे पहले ही शोर मच गया है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, अमेरिका से लेकर यूरोप तक यही नियम लागू है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक परिवार के लिए दो नियम नहीं लागू हो सकते, उसके बाद से ही यह बहस तेज हो गई। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एक ड्राफ्ट बनाकर लॉ कमीशन को भेजा है। ये ड्राफ्ट साफ आरोप लगाता है कि यूसीसी मुसलमानों के पर्सनल लॉ को खत्म करने की साजिश है। क्या सचमुच ऐसा है? करेंगे इसी पर बात। पहले एक रिपोर्ट। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमान परेशान हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम आने वाला है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अफवाहें उड़ रही हैं? जो कानून आया नहीं उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही खारिज कर दिया। बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजा है, उसके असल मुद्दे समझ लीजिए। यूसीसी का मकसद मुसलमानों के पर्सनल लॉ खत्म करना है। कानूनी मुद्दे को राजनीतिक प्रोपेगेंडा का टूल बनाया जा रहा है। गोद लेना और उत्तराधिकार के नियम धार्मिक मामले हैं। मुसलमान कुरान सुन्नत और फिका मानने वाले हैं। पर्सनल लॉ अनुच्छेद 25, 26 और 27 के दायरे से बाहर है। जो देश के अंदर फूट को बढ़ाएगा, फूट डालेगा। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि यूनिवर्सल सिविल कोड केवल मुसलमानों ही नहीं दूसरे धर्मों के भी खिलाफ है। जो लोग झूठ बोलने के आदि हैं, धोखा देने के माहिर हैं, वो इस बात को इस तरह मशहूर करते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान बोलते हैं। और अफसोस ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी भोपाल में अपनी चुनावी मुहिम का आगाज़ इसी मुद्दे को छेड़कर और यही गलतफहमी फैलाकर किया है कि मुसलमानों को कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भड़काते हैं। हालांकि सरकार यूसीसी पर कानून को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। संसद के मानसून सत्र में यूसीसी नहीं आएगा। सरकार अभी उत्तराखंड के ड्राफ्ट के सामने आने का इंतजार कर रही है। सरकार इस पर विचार करेगी। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के कानून को ही केंद्रीय कानून का आधार बनाया जाएगा, मगर मुस्लिम समुदाय के नेता एक सुर से विरोध में बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर ये कानून बना तो झगड़े बढ़ेंगे और देश नफरत की आग में झुलस जाएगा। जो बातें यहाँ लाई जा रही हैं, ये मोदी जी ला रहे हैं, इससे मुल्क में तरक्की रुक जाएगी और नफरत की इस आग में सब झुलस जाएंगे सर। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की साइकिल में लाना चाहती है। ये इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। पर जो भी चीज धर्म का है उसको उसमें उसमें काम अपना धर्म के एतबार से काम करने दें। हालांकि अफवाहें पहले भी कम नहीं रही हैं। सुशील मोदी ने इस भ्रम को दूर करने और पर्सनल लॉ बोर्ड को नसीहत देने की कोशिश की। वो इस मामले की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना तो ये उचित नहीं लगता है। भ्रम फैलाने वालों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहले ही अटैक कर चुके हैं। यूसीसी हो या कोई भी कानून, उसका वो रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मतलब सिर्फ एक है,
सबके साथ समान न्याय। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब इस वक्त हैं चेयरमैन आईएमआईएफ, और वारिस पठान हमारे साथ हैं स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम। इसके साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है मुफ्ती शमून कासमी, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत वारिस पठान जी आपसे कर रही हूँ। जिसका अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया, जिसका अभी कुछ रिटर्न दस्तावेज सामने नहीं आया, उस पर इस तरीके की अफवाह फैलाना कि अगर ये आ गया तो मजहब के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, अगर ये आ गया तो ये मुसलमानों को टारगेट करना जैसा हो जाएगा, ये कितना जायज है? देखिए प्राची जी, आपने सही कहा, जिसका ड्राफ्ट नहीं आया, जिसके ऊपर कुछ है नहीं, तो मोदी जी को क्या जरूरत थी ये बोलने की कि हम यूसीसी अभी लेके आएंगे। अगर इतना ही अर्जेंसी था, इतना ही इम्पोर्टेंट ये कानून था, तो 2014 से लेके अब तक तो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी तो सत्ता में है, उनके पास तो मेजोरिटी भी था, तो क्यों नहीं लाए वो यूसीसी? क्यों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं की? हालांकि 2018 में लॉ कमीशन ने खुद ने ये कह दिया था कि देश के अंदर यूसीसी लाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें 10 साल तक चर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, संविधान के अंदर आर्टिकल 14, 15, 25, 29 है। 29 आर्टिकल जो अनफेटेड फंडामेंटल राइट देता है, जिसके अंदर प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की बात होती है। ये प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी जो है प्राची जी, ये हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका आप क्या करेंगे यूसीसी लाके? क्यों आप खराब करना चाहते हो उसको? हमारे देश में विभिन्न भाषाएं चलती है, विभिन्न कल्चर है, कल्चर को खत्म करना चाहते हो क्या? बात नंबर दो, ये लोग क्या उदाहरण देते हैं कि आर्टिकल 44 में उसका जिक्र है। आर्टिकल 44 बोलता है शैल एंड ए वर, शैल यानी कोशिश करिए, लाने का नहीं बोल दिया है उसने, तो किस तरह से ला रहे? चचेरे लाएंगे, बताएंगे आप मुझे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या करेंगे, एचयूएफ का, जिसके अंदर 3,000 करोड़ रुपए का सालाना जो रिबेट है हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है, तो उसको चर्चा निकाल देंगे क्या? ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने उसका कर दिया, हमको नहीं चाहिए, ये परंपराओं का देश है। वारिस पठान जी, किसने कह दिया कि हमारे देश की परंपराएं खत्म हो जाएंगी, डायवर्सिटी खत्म हो जाएंगी, विविधता खत्म हो जाएंगी? ये कॉमन सिविल, आप तो उससे बेहतर जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये परंपराओं को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है? जी नहीं, ये बीजेपी की जो मानसिकता है और जो बीजेपी का षड्यंत्र है ना, वो पूरा देश सब जानता है। ये हिंदू सिविल कोड लाने की बात हो रही है यहां पर, ये कल्चर डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म सबको खत्म करने की बात हो रही है, वरना क्या जरूरत है? चलिए बताइए मुझे एआईडीएमके ने क्यों मना कर दिया उसके बारे में? मिजोरम के अंदर बीजेपी जिनके साथ अलायंस में एनपीटीएफ, वो पार्टी ने तक कह दिया कि हम अलायंस में नहीं रहेंगे, अगर ये लेके आ गए तो क्या करेंगे, उस अलायंस तोड़ देंगे क्या? अभी के अभी गुजरात के अंदर एक कानून है, अगर वारिस पठान को जाके एक एरिया में, नॉन मुस्लिम के एरिया में फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना, मैं नहीं खरीद सकता हूं, क्या करेंगे उस कानून का? हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर वारिस पठान को जाके एक एग्रीकल्चरल सेब का बागान खरीदना है, प्राची जी, मैं नहीं खरीद सकता। तो हमारे देश में सब विभिन्न जगह कानून है, 370 रखने के लिए तो बोला गया है। वारिस पठान जी, सुझाव मांगे गए हैं। वारिस पठान जी सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये थोप थोड़ी ना दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि सरकार रातों रात इस कानून को लेकर आ गई और ये थोप दिया गया इस देश पर। सुझाव मांगे गए हैं, जो मैंने पहले कहा कि ना अभी कहीं पर कुछ लिखा पड़ी हुई है, ना अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, आपको लग गया कि ये विविधताओं को खत्म करने वाला कानून है, आने तो दीजिए। अरे बिल्कुल, बारिश आने के पहले तूफान का अंदाजा लग जाता है, पूरे देश ने देख रहा है क्या हो रहा है। ये बीजेपी जब से सत्ता में आई है, किस तरह से ले लेकर आ जाता है ये कानून ऐसा, जो इंसान के संविधान के बिल्कुल खिलाफ होता है, तो हमको मालूम है। अभी एम मुस्लिम पर्सनल रिपोर्ट ने तो दे दिया ना, उनको लिखकर दे दिया ड्राफ्ट उनको, चलिए कि आप इसके अंदर ये नहीं कर सकते। तो आने वाले तूफान के पहले प्राची जी, आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, तो आप छतरी तो घर से लेके निकलेंगे ना, छतरी तो लेके जाना पड़ेगा, अचानक बारिश हो गई तो क्या करेंगे? अरे इसीलिए सब तैयारी करना बहुत जरूरी है, प्रेडिक्शन से थोड़ी ना देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ऐसी है, तो आपने ये मान लिया बिना भी ड्राफ्ट आए, बिना भी लिखा पड़ी हुई, आपने मान लिया कि ये तो हमारी विविधताओं को खत्म करने वाला देश है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है कि अलग कर दीजिए मुसलमानों को, देश का हिस्सा है ना मुसलमान भी। तो अन्ना डीएमके नहीं है इस देश का हिस्सा, एआईडीएमके जिसने मना कर दिया। नागालैंड के अंदर जो ट्राइबल्स थे, जो मोदी के साथ अलायंस में, उन्होंने बोल दिया कि नहीं लाना है। इस पर चर्चा हो रही है ना, जाके बात करके देखो क्या होता है, देखो जवाब आपको मिल गया। ये चर्चा के लिए है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप ऐसे बार-बार क्यों कह रहे हैं कि जैसे थोप दिया हो, जैसे आज ही आ गया ये कानून और ये मना कर दें वारिस पठान जी को कि आप आज से नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप निकाह नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। नहीं नहीं, एक चीज, अच्छा मोदी जी ने क्या कहा सुनिए,
सुनिए प्राची, मोदी जी ने यह कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे क्या? मोदी जी ने यह कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? मोदी जी ने कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, चर्चा की बात कहां की उन्होंने? उनको पहले सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात करना चाहिए था, उसके बाद में एक बात के बोलते तो बात अलग। लेकिन नहीं, अमेरिका की घबराहट, अमेरिका में गए मोदी जी, सवाल किया वहां पे सबरीना जी ने उनको डेमोक्रेसी के ऊपर, जुलूम हो रहा है। मुफ्ती साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो वारिस पठान जी कह रहे हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इस देश की परंपराएं खत्म हो जाएंगी? ठीक है वारिस जी, एक सेकंड। देखिए, अभी कल मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो बहुत ही निष्पक्षता से सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे उत्तराखंड राज्य में काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई। वहाँ ड्राफ्ट आने वाला है और उस ड्राफ्ट के अंदर जो लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, बड़ी तादाद में, लाखों से ज़्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ प्राची जी, कि आप अभी वारिस भाई कह रहे थे कि साहब तो बारिश को देख के तूफान का अंदाज़ा हो रहा है। मैं समझ में नहीं आता है कि जो मुस्लिम हमारे संगठन हैं, मैंने अभी मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष से मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि आपको संवाद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि टकराव का। अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, ड्राफ्ट के लिए आपके सुझाव के लिए लॉ कमीशन ने सबसे अपील की है कि आप आइए। मैं एक अच्छी बात ये देख रहा हूं कि अभी मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड के तर्जमान कह रहे थे कि हम सबसे मिलेंगे और वो सारे लीडर्स से मिले भी हैं, और यक्षा सिविल कोड यूसीसी जो आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उससे हमारे किसी चीज के ऊपर या वो किसी धर्म के भी खिलाफ होगा, ना हमारी मजहबी आजादी कहीं उससे मुतासिर होगी और ना ही हमारे कोई ऐसे कार्य मुतासिर होंगे कि जो मजहबी तौर से हम अदा ना कर सके, जैसे आपने अभी कहा है। मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो हैं, जब कोई ऐसी कुरीति पैदा होती है, ऐसी गलतियां समाज में आती हैं, तो क्या कभी इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों के जिम्मेदारों ने आकर के उसे रोकने की कोशिश की? जैसे एग्जाम्पल के तौर से कुरान पाक के अंदर सिर्फ इतना था, अल्लाह ने यह कहा कि ये तुम्हारी बीवी, अगर किसी की बीवी यानी पत्नी को, वाइफ को उसने छोड़ दिया, उसने तलाक ले लिया और उसके बाद उसने अपनी उन तमाम समय गुजरने के बाद, इद्दत का समय गुजरने के बाद कहीं दूसरी जगह अपना विवाह कर लिया, यानी निकाह कर लिया, अगर उसका वो शौहर छोड़ दे या मर जाए यानी फौत हो जाए, तो उस शक्ल में सिर्फ एक इजाजत थी कि आप साबिका शौहर की तरफ लौट सकते हैं। अब मैं सारे मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड के उन लोगों से कहता कहता थक गया हूं कि भाई इसका, इस मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड को इसमें व्यापकता आनी चाहिए। कैसे व्यापकता आनी चाहिए? कि समाज में, सोसाइटी में जाके ठीक करना चाहिए। जब यह कुप्रथा आ रही थी, बड़ी तादाद में लोगों ने उसका मिसयूज किया, बड़ी तादाद में किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मीडिया ने जब उनके स्टिंग किए तो उनके ये कार्यकलाप जो है सामने आए। तो मैं ये जानना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, और हमने मीडिया के माध्यम से यह कहा भी है कि यह तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं, यह हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं। तो आखिर सोसाइटी को ठीक करने का जिम्मा किसका था? आज जब कानून बना तो आज कानून से डर रहे हैं, ना कि इस्लाम से डर रहे थे या अल्लाह से डर रहे थे। इसलिए मेरी पर्सनला बोर्ड से और तमाम उनसे अपील है कि ये जो कानून आ रहा है या ये जो ड्राफ्ट आ रहा है, आप इस ड्राफ्ट को पहले अपने सुझाव दीजिए जाकर के और इसे देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ड्राफ्ट आएगा, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यानी एक ऐसे आदमी का मतलब एक, ये है, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, वो 5 सेकंड। देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो नीचे से उठ के आए हैं और लोकतंत्र की बिना पे आए हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होती तो एक आम आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों में भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। शाइस्ता अंबर भी हमको ज्वाइन कर चुकी है। शाइस्ता जी, ये किस बिना पर कह दिया गया कि ये तो धोखेबाजी है, ये तो अगर आ गया तो हमारे देश की विविधताएं खत्म हो जाएंगी, ये तो अगर आ गया तो खासकर मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशानी में डाल दिया जाएगा? कोई तो आधार रहा होगा आप लोगों के पास? पहली बात तो ये कि अगर लोगों को ये सब लगता है कि कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के लिए आ रहा है, तो ये लोगों की गलतफहमी है, गुमराही है, गलतफहमी है।
और कॉमन सिविल कोड इतनी जल्दी ना किसी तरह लागू हो सकता है, ना इतनी जल्दी किसी पर थोपा जा सकता है। ये हमारे भारत के सभी प्रजातंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था के हिसाब से ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और लोक और न्याय कमीशन इसको पहले सबसे मशवरा लेगा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं हमारे देश में हैं, सभी धर्म व समुदाय के लोग हैं। यहाँ पे हर तरह के कानून की आज़ादी को समझते हुए, सभी आस्थाओं को, संस्कारों को समझते हुए, क्योंकि हमारे देश में अगर कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा तो पूरे देश की व्यवस्था में भी, असेंबली और पार्लियामेंट में भी व्यवस्था बदलनी जो पड़ेगी, क्योंकि फिर राज्यपाल ही चलाएगा इसको, फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा। इसलिए हर प्रदेश में, ये हमारे संविधान में एक संविधान है कि पहले प्रदेश के लोगों में जो कानून बनाते की आज़ादी है मुख्यमंत्री को, असेंबली को, उस असेंबली के फिर कानून व्यवस्था को फिर सोच समझ करके उसको मशवरा करके। निशाइस्ता जी, आप दो बातों को एक साथ मिला रही हैं। संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर भी किसी दिन चर्चा कर लेंगे। अभी मैं ये क्लियर नहीं हो पाई शाइस्ता जी कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रही हैं या आप अगेंस्ट में खड़ी हैं। ना अगेंस्ट में हूँ और ना पक्ष में हूँ। अभी बहुत सारी चीजें उसमें व्यवस्थित होंगी, ब्लूप्रिंट होगा, न्याय कमीशन उसमें बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेगा। ये बहुत जल्दबाजी में मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या और लोग जो हैं संगठन, वो अपने आप अपनी अपनी राय दे करके एक भ्रम फैला रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे देश का लॉ बोर्ड कह रहा है, जो वीडियो जारी की जा रही है, जो नोमानी साहब ने कहा है, या जो एक 72 पन्नों का जो एक ड्राफ्ट सौंप दिया गया है, फिर ये जल्दबाजी नहीं है क्या भाई? हम ये उनकी वो ये उन पर मैं अपनी कोई राय ही नहीं दे सकती हूँ। मैं आपने हमसे राय मांगी है, हम अपनी राय दे रहे हैं कि न्याय कमीशन ने सबसे राय मांगी है, तो वो अपनी राय दे रहे हैं। मैं ये राय दे रही हूँ कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड तभी लागू हो सकता है जब तक सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, असेंबली सभी सहमत हो जाएं, सभी उस पे राजी हो जाए। बिल्कुल, तो इसलिए राजी करने के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बातचीत करने की बात कही गई है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। कलीमुल हफीज साहब, सिर्फ तलाक और निकाह नहीं है, यहाँ पे लड़कियों की विरासत जी मैडम ठीक है शाइस्ता जी, वही तो मैं कह रही हूँ, सुझाव मांगे गए हैं। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ कि सुझाव मांगे गए हैं, उन पर आपको अपनी बात रखनी है, सिरे से इनकार नहीं करना है। ये कलीमुल हफीज साहब, कौन फैला रहा है ये अफवाह, कौन ये बता रहा है खासकर मुसलमानों को कि ये अगर आ गया यूसीसी तो बस बहुत बहुत गलत हो जाएगा, यूसीसी आ गया तो मजहब पर चोट हो जाएगी? ये मीडिया अफवाह फैला रहा है और कोई नहीं फैला रहा है। दूसरी बात, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ड्राफ्ट सबमिट किया है उसमें कई चीज़ें बड़ी मज़ेदार कही हैं उन्होंने, वो मैं चाहता हूं कि देश को पता चले उन्होंने क्या लिखा है। उनका एक सवाल ये है कि जब 2017 में 21वें लॉ कमीशन को 4,83,47,596 भारतीयों ने सजेशन दिए, उन 4,83,00,000 के बुनियाद पर उस कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो इस वक्त जो यूसीसी है, नीदर नेसेसरी और नॉट डिज़ायरेबल, ना इसकी ज़रूरत है और ना इसका कोई औचित्य है। तो ये पूछा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि आखिर भारत सरकार ने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया अपने कमीशन की रिपोर्ट को, और उसका रीज़न क्या है, ये देश को बताएं वो, वरना इतनी एक्सरसाइज हुई और उसको लेके क्यों बैठ गई सरकार, उसने आनंद फानंद में दूसरा क्यों बना दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम जो 3 साल में पहले ला कमीशन नहीं कर पाया, इसको भी सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया गया, ये भी छोटा है। चौथी बात जो बहुत ज़बरदस्त कही उन्होंने वो ये कि आखिर इस देश में 6 मेन एथनिक ग्रुप हैं, 52 मेजर ट्राइब्स हैं, 6 मेजर रिलीजन हैं, 6400 कास्ट और सब कास्ट हैं, 18 मेजर लैंग्वेज हैं और 1600 माइनर लैंग्वेजेस हैं। यानी इतनी डाइवर्सिटी के मुल्क में आप यूनिफॉर्मिटी क्यों चाहते हैं? और उसके साथ दो मिसालें दे दी उन्होंने एक तो दी मिसाल अमेरिका की कि अमेरिका मोस्ट प्रोग्रेसिव और पावरफुल कंट्री है दुनिया का, उसके 50 स्टेट और 50 उसके कानून, उसमें भी जो एज ऑफ मैरिज है
उसमें आप देखें कि मैसाचुसेट्स में 14 साल है, न्यू हैम्पशायर में 14 साल है, हवाई में 15 साल है, अलाबामा में 16 साल है, अलास्का में 16 साल है, अरिजोना में 16 साल है। अरे सर, आप अमेरिका की तुलना करने लगे भारत से, पहले भारत की बात कर लेते हैं। आपने सारी बातें कही, मैंने बहुत अच्छे से सुनी। आपने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ, एक सेकंड मैं बता रही हूँ ना, पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या आपत्ति जताई गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे क्यों कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि ये जो आपने कहा डाइवर्सिटी, आपने कहा, अरे मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी काउंटर भी ले लीजिए ताकि मेरे सवाल का भी जवाब आ जाए। आप तो बोलते ही रहेंगे जो आपको बोलना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इसका आधार जान रही हूं मैं आपसे कि ये आधार कुछ तो होगा ना, कोई तो सोर्स होगा ना आपके पास जो आपको ये बता रहा होगा। मैं बता रहा हूं, देखिए वो कह रहे हैं कि 1892 में अमेरिका में ला कमीशन बना और वहां ये कोशिश हुई कि वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि वहां अमेरिकन सोसाइटी ने कहा कि जो है ये डायरेक्ट। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रही, भारत लौट कर आइए, पहले भारत की बात करिए। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भारत का एक हिस्सा था, भारत का एक हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वहां यूनिफॉर्म था कानून, लेकिन उन्होंने चूंकि कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाकर नहीं रखा इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। ओ सर, आप बार बार हिस्ट्री पर चले जा रहे हैं, प्रेजेंट पर आइए, हिस्ट्री पर मत जाइए, प्रेजेंट पर आइए। मुझे ये बता दीजिए, ऐसा कौन सा सोर्स है आपके पास जो आपको ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएंगी, ये परंपराएं खत्म हो जाएंगी, ये बताइए मुझे। देखिए भारत का जो फैमिली प्लानिंग सर्वे, यानी कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है 2019-20 का, वो बताता है कि पॉलीगैमी हिंदुओं में 2.1% है, क्रिश्चियन में 1.9 है और मुस्लिम में 1.3 है। यानी पॉलीगैमी भी हिंदुओं में ज्यादा क्यों है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल्स में है वो ज्यादा। देखिए हिंदुओं में भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है। कलमुल साहब, आप मुझे यहाँ, कलमुल साहब आप मुझे पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि उस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। आप अभी भी नहीं बता रहे आपका सोर्स क्या है जिससे आपको लग रहा है कि ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देश की विविधता खत्म हो जाएगी और खासकर ये एंटी मुसलमान है। इस पर थोड़ा सा आप सोच लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास, ये पॉइंट बता दीजिएगा मुझे। याना मीर जी कि आपको भी ऐसे ही समझ में आ रहा है कि यूसीसी आ गया तो इस देश की जो परंपराएं हैं, इस देश में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्शन है, एक तो ये है कि डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, दूसरा मुस्लिम जो समुदाय है उनको लग रहा है कि, मतलब वो उनका कहना है कि इस्लाम पे इससे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं किसको पहले काउंटर करूं, तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द जो मुस्लिम समुदाय की जो व्यूज है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए सऊदी अरेबिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, सिर्फ इस्लामिक लॉ चलता है वहाँ पे, शरिया। तो वहां तो ये लोग जो इंडिया से जाते हैं वहां पे मुसलमान काम करने, वहां तो एकदम चुपचाप रह लेते खुशी से, वहां तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से उनको बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए कि, तो चलिए अच्छा ठीक है, तो आपको नहीं चाहिए शरिया यहाँ पर, आपको इस्लाम नहीं चाहिए ना यहाँ पर? नहीं, आप बताइए, हमें तो नहीं चाहिए शरिया, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से खुश हैं। अच्छा तो आपको जब शरिया नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर ट्रिपल तलाक हट जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है फिर? अगर आपको शरिया चाहिए तो बताइए, शरियत अलाउ की है पर्सनल लॉ के तौर पर, उस पर खुश हैं हम, हमें सऊदी अरब जैसे भारत नहीं चाहिए। आपको शरिया चाहिए या शरिया नहीं चाहिए? नहीं, आपको शरिया चाहिए, संविधान का, संविधान ने कहीं आप गलत एग्जांपल दे रही हैं सऊदी अरब का, हमें सऊदी अरब जैसा भारत नहीं चाहिए, परमिशन है संविधान में। आपको शरिया चाहिए या नहीं चाहिए? आप शरिया लॉ या किसी भी धार्मिक कानून के तहत किसी पर्सनल नागरिक के अधिकारों का नहीं कर सकते हैं। आपको सऊदी अरेबिया नहीं चाहिए ना, तो ट्रिपल तलाक, बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी में है आप। ट्रिपल तलाक हट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको आरिज पठान जी, या आपको चाहिए कि, कलीमो साहब आपको काउंटर कर रहे हैं, याना मिर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है? अच्छा आपको शरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चोरी हो जाएगी तो हाथ काटा जाएगा, चलेगा आपको? शरिया लाया जाए फिर गोल पोस्ट मत चेंज करिए, आप सिविल पे रहिए, अभी आप क्रिमिनल पे बाद में जाइएगा। हमने कहा ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, हमें हमें एक्सेप्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर आता है ना, तो ऐसे तो नहीं लिखा कि अमेंडमेंट्स हो ही नहीं सकते, ऐसे लिखा है कि अमेंडमेंट्स हो ही नहीं सकते, ऐसे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट्स हुए नहीं आज तक, आपकी पिछली सरकार ने नहीं की, सीआरपीसी में भी हुए अमेंडमेंट, फिर तो जब हुए अमेंडमेंट्स तो आपको आपत्ति क्या? आप बताइए, अगर आपको शरिया चाहिए तो ले आते हैं शरिया ना, कि चोरी के लिए हाथ काटने वाला लॉ ले आते हैं आपको, फिर और आपको 21 लाख कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उससे क्या तकलीफ है आपको?
इधर उधर उल्टे उल्टे क्यों घूम रहे हैं आप? जो बात है उसकी बात कीजिए आप। नहीं, आपने जो ला कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 3 साल मेहनत करने के बाद, उससे क्या तकलीफ है आपको? उसे क्यों नहीं मानना है आप? रीजन क्या है उसको ना मानने का? और ये सब क्या चल रहा है कि इतने जल्दी नहीं होगा, इतने जल्दी नहीं होगा? अरे जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको होना वो आज ही है। आप 21 ला कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं मान रहे? उसका रीजन दीजिए ना आप, हमें बताइए देश को क्यों नहीं मान रही है आप? उस ला कमीशन में क्या कमी थी? इसी सरकार का ला कमीशन था, बताइए क्या कमी थी, क्यों नहीं मान रही है? रीजन बताइए। वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आता है तो इससे देश में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बिकॉज देखिए डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्सिटी एक अच्छी चीज है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पे कम्युनल डिसहार्मनी हो रही है, वहां पर थोड़ी सी वो चीजें शांत हो जाएंगी। ये बात समझनी है और इसी बात को समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। कलमुल जी मैं आऊंगी आपके पास, अभी फयाज अहमद फैजी साहब रह गए, मैं आपका कमेंट लूंगी। सर एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा क्यों है बरपा, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। फयाज अहमद फैजी साहब, अभी आपने सबकी राय सुनी, सब ये कह रहे हैं कि ये डाइवर्सिटी पर हमला है, खासकर ये मुसलमानों से जब इसे जोड़ कर देखा जाए तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा खराब है, इसीलिए ये जो लेकर आ रहे हैं ये भी गलत है। नहीं देखिए, ये झूठ बात है, ये झूठ प्रचारित करके मुस्लिम समाज को पदभ्रष्ट करने के, गुमराह करने का प्रयास है। यूसीसी संविधान का मुद्दा है, और जब यूसीसी की बात हो रही है तो ये संविधान लागू करने की बात हो रही है पारिवारिक मामलों में। खूब अच्छी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि अब तक पारिवारिक मामले यानी शादी ब्याह, संबंध विच्छेद, उत्तराधिकार और जो पैतृक संपत्ति का बंटवारा है, उसमें संविधान लागू करने की बात है, जो संविधान निर्माताओं ने, देश निर्माताओं ने आर्टिकल 44 के तहत ये दिशा निर्देश दिया था कि आप इसका प्रयास करेंगे, वही प्रयास सरकार कर रही, और हम बहुत पीछे हैं। अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से, आप जानते हैं कि हिंदू कोड बिल भारत आज़ाद होने के बाद आ गया था, तो हिंदू समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ जो थी, जो धार्मिक और परंपरा के रूप में थी, उसको बहुत हद तक उसको सही किया गया। लेकिन मुस्लिम समाज आज भी 1500 साल पुरानी जो मध्ययुगीन में बनी इस्लामिक फिक्र थी, जो शरिया था, उसी से चल रहा है। तो अगर यूसीसी आती है तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो मुस्लिम समाज का होगा। मुस्लिम समाज के अंदर जो पारिवारिक मामले हैं उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर दादा के जीवन में पिता की मृत्यु हो जाती है तो पोते को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि इसकी कोई बात नहीं करता है। तो यूसीसी आने से, और भी बहुत से उदाहरण हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कट शॉर्ट करता हूँ कि और भी जो, जैसे कोई लड़की अगर किसी के सिर्फ संतान में सिर्फ पुत्रियाँ हैं तो उसको अपनी सारी संपत्ति वो उसको हैंडओवर नहीं कर सकता, उसके भाइयों के पास संपत्ति चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है हस्बैंड वाइफ मुसलमान जिनकी बच्चियां ही हैं, वो अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराती है ताकि भारतीय संविधान के हिसाब से वो अपनी संपत्ति अपनी बेटियों को दे सके। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें बहुत सी ज़्यादा भेदभाव है, जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी आने से मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन एक विडंबना है कि मुस्लिम समाज को जो लीड कर रहा है, जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है, शासक वर्ग है, जो अपने को अशराफ कहता है, वो लगातार इसको लेके भ्रम फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है कि यूसीसी आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हमको फेरा लेना पड़ेगा, हिंदू कोड भी लाया जा रहा है, ये सब झूठ बात है। जो भी फयाज अहमद फैजी साहब कह रहे हैं पर्सनल अबाउट के बारे में, एक बात मैं कहता हूँ, मैं मुस्लिम पर्सनल अबाउट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मैम प्लीज 30 सेकंड। मुस्लिम पर्सनल अबाउट को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सारे मुसलमानों की तरफ से बात करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में सिर्फ 5% अशराफ मर्दों का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ अशराफ महिलाओं को भी उस तरह से नहीं रखा गया है, रखा गया है, और पसमांदा समाज बिल्कुल इग्नोर है उसमें, जो 90% है मुसलमानों को, और इन्होंने जो ड्राफ्ट बना के भेजा है ना, टोकन के रूप में वारिस पठान जी, जो अभी फयाज अहमद जी कह रहे हैं, देखिए इसमें तो मुझे लगता है आपको भी आपत्ति नहीं होगी कि बेटियों को उनके माँ बाप की संपत्ति में हक मिल जाए, या फिर अगर कोई कुरूती है तो वो खत्म हो जाए, या दादा की संपत्ति पोते को मिल जाए, तो अगर ये सब बदलाव होंगे तो ये तो शायद आपको स्वीकार्य होंगे ना? देखिए प्राची जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो यूसीसी ला रहे हैं ये असंवैधानिक है,
और ये खास तौर से मुसलमानों को परेशान करने के लिए आ रहा है, जिसको मेरी बात के ऊपर सही उतरा, क्योंकि आज हो जाएगा जो मिल जाएगा वो आप ही के चैनल की बात कर रहा हूं। संविधान का पार्ट है, मैंने कहा कि पारिवारिक मामलों में संविधान लाने की बात हो रही है, आप अपने अरे चुप बैठो भाई, तुम्हारे बीच में नहीं बोला था, एक सेकंड रुक जाइए, इसको लेके आए फयाज अहमद फैजी जी, रुक जाइए, बोलिए बोलिए। मैंने आप गलत बात बोलेंगे, आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक कैसे है, मैं क्यों नहीं काउंटर करूंगा, ये गैर संवैधानिक नहीं है, यूसीसी संवैधानिक है। इसके बाद आप बात करेंगे, हम आपकी हर बात सुनेंगे। ठीक है वारिस जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैं जो पहले दिन से बोल रहा हूँ प्राची जी के यूसीसी लाना असंवैधानिक के आर्टिकल 14, 25, 15, 29 का उल्लंघन है और ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, वो आज इस बात का सबूत मैं आपके चैनल पर बैठ के देख रहा हूँ, ये साबित हो गया है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। आज आपके चैनल पर 6 पैनलिस्ट बैठे हैं, 6 के 6 सिर्फ मुस्लिम हैं, आप तो एंकर हैं। क्यों आपने ऐसा किया? क्या हमारे हिंदू भाइयों को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था? क्या हमारे क्रिश्चियन भाइयों को फर्क नहीं पड़ने वाला मैं इसका जवाब था? क्या पारसी भाइयों को फर्क नहीं पड़ने वाला था? क्या हमारे सरदार भाइयों को फर्क नहीं पड़ने वाला था? तो क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपने मीटिंग लगा दिया? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो बैठ के बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये जो चमचे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, चम्मच बीच में मुंह खोल रहा था, ये इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये देखो ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। जवाब सुन लीजिए, इसलिए ये समझो ये हो रहा है, आपत्ति आप लोगों की तरफ से है, उस आपत्ति पर मैं आज डिबेट कर रही हूं। हिंदू पक्ष का अगर कोई नेता आकर यहां आपत्ति करने लग जाएगा, कहेगा कि मेरे धार्मिक अधिकारों का हनन है, तो मैं उसको भी बुला लूंगी। तो यूसीसी ला रहे हैं ना आप, तो पहले आपने क्या स्टेक होल्डर्स को पूछा कभी के लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? 4 लाख लोगों का तो आपने पहले ही 2017 के इसके अंदर ओपिनियन ले लिया था और उस बेसिस के ऊपर लॉ कमीशन ने तो बोल दिया था कि यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो जब आपको लोगों के ओपिनियन की भी जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों आपने वापस से ओपिनियन मांगा? क्यों ओपिनियन मांगा आपने फिर वापस से लोगों का? तो ओपिनियन की अगर वैल्यू नहीं है तो आप किस बुनियाद पर लग, क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट्स पे लाएंगे, क्या मिताक्षा स्कूल ऑफ थॉट्स पे लाएंगे? गोवा में जो कानून है जिसके अंदर अगर 30 साल का आदमी हो गया, अगर उसको लड़का नहीं होता वो दूसरी शादी कर सकता है, वो क्या करेगा वहां का? अरे तो इन सब पर तो कानून आ रहा है ना वारिस भाई, आप क्यों इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? आप इसे क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक सेकंड वारिस जी, आपने कहा कि आपके चैनल पर दिख गया कि क्यों मुसलमान विरोधी है, एक सेकंड, आपके चैनल पर दिख गया कि क्यों मुसलमान विरोधी है? सर इसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों यहाँ पर ऐसे पैनलिस्ट बैठे हैं, अब आप मुझे रीजन बता दीजिए, दो रीजन बता दीजिए यूसीसी को लेकर जो आपको लग रहा है कि आपको टारगेट करने के लिए। सियासी मुसलमान को ऐतराज होगा, एक असली मुसलमान है। अभी एक हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ पर, अरे क्या बीच में कौन बोलता है मैडम, अरे बहन जरा सुनिए, अभी एक हमारी बहन बैठी थी सऊदी अरेबिया की बात की उन्होंने, मैडम मैं पूछना चाहूंगा सऊदी अरेबिया के अंदर आईपीसी है क्या, सीआरपीसी है क्या, संविधान है क्या? नहीं है ना, तो फिर जिस देश में रहते हैं, देश की बात कर प्राची जी, वो आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं फिर भी बोलूंगी। वो कलीमुल साहब थे, वो कलीमुल साहब थे, ये वारिस पठान जी बोल रहे हैं, एक सेकंड दीजिए। अरे पहले आपको पता है कलीमुल ऑफिस कौन है, वारिस पठान कौन है, मालूम है? अरे आपको आदमी नहीं मालूम है, यूसीसी क्या मालूम पड़ेगा आपको? आपको दो आदमी के बीच फर्क नहीं मालूम है कि वारिस पठान कौन है, कलीमुल ऑफिस कौन है, तो आपको यूसीसी के बारे में क्या मालूम है? चलिए बताइए, आपका इंटेलिजेंस लेवल जीरो है, जीरो इंटेलिजेंस लेवल लेके आप बैठे हो यहां पर टीवी के डिबेट में। पहले मुस्लिम होने के लायक तो बनो, खुद तो स्टेक होल्डर बनो, पहले आप जानो, पहले अच्छा मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कलीमुल ऑफिस हूं, चलिए मैं बताइए जो जरूर करता ठीक है वारिस भाई, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वो कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। अब याना मीर जी एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल का जवाब आने दीजिए, वारिस पठान जी बता दीजिए, दो पॉइंट प्लीज बताइएगा, कैसे मुसलमान विरोधी है यूसीसी? प्राची जी उनका कंफ्यूजन और दूर कर दीजिए, यूसीसी कैसे मुसलमान विरोधी है? यूसीसी तो पूरा देश विरोध है, मैं तो बता रहा हूँ ये वाली बात आपको, संविधान क्यों दिया हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, हाँ संविधान के फ्रेमवर्क जो थे उन्होंने कहा था ना कि देश इस पे चलेगा, तो 70 साल से तो हम वो फॉलो करते आ रहे हैं, अभी इनको लाने की क्या जरूरत पड़ेगी? लाने वाले नहीं है, 19 के चुनाव के पहले भी ये सोचा छोड़ा था कि हम यूसीसी लेके आने वाले, मगर नहीं लाते। अरे कैसे नहीं करने की तो बात हो रही है, कौन है ये मैडम, इसको एक दिन
नहीं नहीं, अरे ला सकते भी नहीं और लाएंगे तो विरोध कर रहे हैं ना हम तो। संविधान ने मेरे को अधिकार दिया, तुम जैसे चमचों को अधिकार दिया अपनी बात रखने का, तो मैं तो संविधान लेके बैठा हूँ अपनी बात रखने के लिए। देखिए आप इधर उधर चले गए, आप मुझे फिर पूरे भारत पर ले आए, लेकिन मुसलमान विरोधी कैसे है ये मुझे आपने भी नहीं बताया सर। मैं इंतजार करती रह गई कि शायद आपकी तरफ से कोई ऐसा जवाब आ जाएगा। बताइए भाई, ये डायरेक्ट 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 पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लॉ, हिंदू लॉ, तमाम लॉ का उल्लंघन करेगा, क्योंकि हमारा देश के अंदर सब कल्चर चलते हैं। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें लैंग्वेज का भी आएगा क्या? पूरे देश में एक ही भाषा बोली जाएगी? जब अभी आया नहीं है, सब कुछ प्रेडिक्शन पर चल रहा है, तो कैसे तय कर लिया ये मुसलमान विरोधी है वारिस पठान जी? मुझे आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। अरे आया नहीं तो मीडिया क्यों इसको धुआं दे रही है प्राची जी? अरे सर हम धुआं नहीं दे रहे, आप लोग बयान दे रहे हैं। आप इसे हिंदू कोर्ट बिल बता रहे हैं, ये हम धुआं नहीं दे रहे, ये हम धुआं नहीं दे रहे हैं वारिस पठान, हम नहीं दे रहे हैं वारिस पठान जी धुआं। ये आपने कहा हिंदू कोर्ट बिल है, तब चर्चा बुलाई हिंदू कोर्ट। बिल्कुल देखो दिख रहा है ना हिंदू कोर्ट जब है, तो मुझे दो रीजन बता दीजिए ना, आप दो रीजन बताइए, मैं मान लूंगी। दो रीजन बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, बताइए मैं बता रहा हूँ। अगर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो उसके अंदर वो मिलता है उनको स्टेक 3,000 करोड़ के हिसाब से, आप उनका हटा देंगे क्या? चलिए पूछिए, सवाल करिए पहले, किसी हिंदू को नहीं देंगे। बात नंबर दो, नागालैंड के अंदर जो आपके साथ अलायंस में, उन्होंने तो साफ बोल दिया कि ये मुसलमान विरोधी कैसे हो गया सर? अरे ये मुसलमान विरोधी कैसे हो गया, ये तो नहीं प्रूफ कर पा रहे। मुसलमानों की शरीयत, मुसलमानों का सिर्फ एक पॉलीगेमी, इनको सेक्शन 494 सिर्फ दिख रहा है। फिर आप आर्टिकल 44 का भी जिक्र कर लीजिए, इतना संविधान कर रहे हैं तो आर्टिकल 44 का भी जिक्र करिए फिर वारिस पठान जी। और मैं जब मुसलमानों पर बात कर रही हूँ तो हिंदुओं पर जा रहे हैं, हिंदुओं पर बात कर रही हूँ तो क्रिश्चियंस पर जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना? नहीं, मैं तो मुसलमान की बात कर रहा हूं। अरे ये चार्ज किस पे लगा रहे मालूम है आपको प्राची जी? के मुसलमान चार चार शादी करता है, दो दो शादी करता है। मैं चैलेंज करता हूं प्राची जी, आप मुझे बता दीजिए 10 आदमी मुसलमानों के मुझे नाम गिना दीजिए जिन्होंने 10-4 शादी की है। अरे तो जब है ही नहीं, आदमियों के जब वारिस पठान जी है ही नहीं तो फिर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ कर उस पर कानून लागू कर देंगे। शमून जी बताइए मेरे, यही प्रॉब्लम है, परेशानी ये है। पठान रुक जाइए, मुसलमानों को पठान रुक जाइए, परेशान करना है। अब देखिए मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं क्या यूसीसी लाकर? शमून जी मैं रुक जाइए, वारिस जी प्लीज, बहुत बड़े उसके साथ एक बात कह रहा हूँ और अपील भी करना चाहता हूं देशवासियों से कि अभी जैसे वारिस भाई ने अभी तुम्हारी अपील को नहीं सुनता कोई भी, चलिए मैं ये कहना चाहता हूं ये किसी धर्म के, इस्लाम ही नहीं किसी धर्म के तुम्हारे पे हमला क्या करेंगे तुम, किसी धर्म के भी खिलाफ नहीं है। और रह गई बात ये कि यही चीज है कि अभी जितने मुसलमान, अरे देखो एक बात सुनो वारिस, तुम अगर अनर्गल बात करोगे सुनो, हाँ पसमानदा मुसलमान जो मुख्य धारा से कट गया, तुमने तुम उनके कातिल हो, तुमने उन्हें पीछे किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने ओवैसी से पूछा था तुम्हारे गुरु से कि तुम 300-341 पर कभी बोले हो क्या पार्लियामेंट के अंदर, और आज भी तुम लोग वरगला रहे हो। आज तक मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने का काम तुम्हारे जैसे लोगों का रहा है, इसलिए कहना चाहता हूँ सुनो। अरे हमने शरीयत को पढ़ी, हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से बात करें, तुम हो कौन, तुम्हें कितनी जानकारी है? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अभी कोई ड्राफ्ट आया नहीं है। मैंने पहले ये कहा कि अभी उत्तराखंड के अंदर ड्राफ्ट होके आ रहा है और तुम बोलते चले जा रहे हो, क्यों मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो? अरे ये मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि आज मुसलमान खड़े होकर के इन बातों को चैलेंज करेगा और जो तुमने उन्हें कमजोर किया है आर्थिक तौर से, एजुकेशन के तौर से, वो तुमसे पूछेगा। तुम जिस तरह से भड़का के तुम एक बार आ गए, दूसरी बार तो इंशाल्लाह आने वाले नहीं हो। इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो गरीब मुसलमान है ना, वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएगा। अरे चमचागिरी नहीं, हम फख्र के साथ कह रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र की बिना पर आया है, वो किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखता। आज राजघराने से ताल्लुक नहीं रखता, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोग तो तुम तो क्रिमिनल लोग हो, तुम तो क्रिमिनल हो। नहीं सुनो, मुझे जवाब देना दो, यूसीसी पर मैं आपको बता, यूसीसी के बारे में कह रहा हूँ। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ,
क्या जवाब देगा पहले मेरी बात का जवाब दो। अरे जरूरत नहीं थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है? अरे क्या क्राइटेरिया है तुम्हारे साथ तुम्हारी तंजीमों का? यूनिफॉर्म लाना है, स्पीड मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? स्पीड दी जाती है, इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा। जब तुमने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, एजुकेशन के हिसाब से मुख्य धारा से तुमने उन्हें उतार दिया, उन्हें दूर कर दिया, मेन स्ट्रीम से हटा दिया, और तुमने उनका इस्तेमाल किया सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। ठीक, तुम हमेशा जो तुम्हारे गुरु थे ना, अच्छा चलिए सलाहुद्दीन साहब, वैसी वो कांग्रेस से मिलकर अपना एम्पायर बना लेते हैं। और आज तुम देख लेना, एक दिन आएगा ये मुसलमान गुमराह नहीं होगा तुम्हारे कहने से। शमून साहब के बारे में मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आप गुमराह मत होइए। ऐसा ड्राफ्ट आएगा जो आपके किसी के भी खिलाफ नहीं होगा। ठीक है सर, ना हमारी किसी चीज पर मजहबी कोई पाबंदी होगी और ना ही किसी चीज पर रोक लगेगी। तुम्हारे जैसे लोग घर जाएंगे। प्लीज शमून जी, प्लीज पर्सनल नहीं, तुम्हारे जैसे लोग कोई पर्सनल मत जाइए। कलीमुल हफीज साहब, मैंने एक सवाल के साथ छोड़ा था, अब रुक जाइए प्लीज शमून जी, एक सेकंड। और वारिस पठान जी, एक सेकंड। मुझे फिर आवाज कम करवानी पड़ेगी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। प्लीज बात होने दीजिए, यूसीसी की कोई गुमराह नहीं हो पाएगा। कलीमुल हफीज साहब, मैंने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था, मुझे लगता है उस सवाल का जवाब अब आप दे देंगे। मैंने आपसे बोला था कि मुझे आधार बता दीजिए, वो सोर्स बता दीजिए जिससे आपको पता चल रहा है कि मुसलमान विरोधी कानून लेकर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस कानून के तहत तीन निशाने साध रही है, और वो इस बात से प्रूव हो जाता है। एक तो आपने पहले भी कहा कि साहब कोई और विरोध करेगा तो हम उसका ही प्रोग्राम दिखाएंगे। आपका ही चैनल कितने मुसलमानों पे ये प्रोग्राम बना चुका है कि मुसलमानों में ये इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल से यानी पूरे सरदार ग्रुप इसका अपोज कर रहे हैं। नागालैंड जो चर्च काउंसिल है, खासी हिल काउंसिल मिजोरम में, प्लस जो आदिवासी समन्वय समिति के 30 संगठन हैं जो हिंदू हैं, और झारखंड में जो 5 जुलाई से वहां के गवर्नर के सामने धरने पे बैठे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मीडिया उनको नहीं दिखा रहा है, सारा मीडिया हाउसेस से मुसलमानों को दिखा रहा है। सच्ची बात यह है कि आप भी सेलेक्टिव हो जाते हैं, जैसे मुद्दे चुनने में आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, ऐसे ही आप खबर देखने में भी सेलेक्टिव हो जाते हैं। कौन कौन कहां कहां विरोध कर रहा है ये भी बताया जा रहा है, तो प्लीज आप खोल कर देखा करें प्लीज थोड़ा सा। देखिए मैडम, जिस तरह से AIDMK, NDPP, SAD या और बहुत सारी जमातें इसके मुखालफत कर रही हैं, ऐसी मुसलमान भी मुखालफत कर रहा है। मुसलमान चूंकि देश में 15% है और उसकी अपनी एक अथेंटिक बॉडी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसका आपको वो विजिबिलिटी है, इसलिए आपको ऐसा लगता है सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे हैं। सच्चाई है, कब कहा कि सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मुसलमान ये विरोध कर रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं, कलीमुल जी कह रहे हैं कि ये अगर आया UCC तो ये मुसलमान विरोधी होगा, तो मुझे ये बता दीजिए कि आधार क्या है, सोर्स क्या है, किसी ने आपसे कहा? क्या जो लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं उन्होंने आपसे आकर कहा? नहीं, आधार इसका यह है कि ये जो जो हमारा संविधान मुसलमानों को अपने आयली कानून बनाने की इजाजत देता है, ये उसमें मुदाखलत करेगा, ये आधार है। अरे क्या दाखलत करेगा सर, अगर हलाला खत्म हो जाएगा, अगर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी तो ये दिक्कत हो जाएगी, अगर बेटियों को संपत्ति में हक मिल जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बेटियों को अब भी संपत्ति में हक मिलता है, इस्लाम ने 1400 साल पहले से बेटियों को संपत्ति में हक दे रखा है। हाँ, हिंदू एक्ट में जरूर, सक्सेशन एक्ट में 1955 में मिला, और 2005 में हमारी बहनों को पूरा एग्रीकल्चर लैंड में भी मिला, तो हमारे मजहब में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारे प्रयास के साथ, हमारे साथ डिस्कशन के साथ अगर कुछ वो बात करते हैं और तमाम मजाहिब को बिठा के अगर कोई UCC लाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ये जबरदस्ती जो बीजेपी थोप रही है और इसके बहाने से राजनीति करना चाहती है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, इसके खिलाफ ये सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आरिफ मोहम्मद जी से बात की थी, केरला के राज्यपाल हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश है, यूसीसी आना चाहिए और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आरिफ मोहम्मद खान साहब को बीजेपी ने टुकड़ा डाल दिया, वो गवर्नर है, शमून कासमी साहब को डालने वाली है, ये भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे, तो ये तो कहेंगे हम, मतलब जो आपके साथ दे दे, जो आपका साथ दे दे, मुसलमानों का तुम बगैर किसी उसके, अगर जनरल मुसलमानों को समझो तो सही, पहले आप क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है ये,
आप जो बात कह रहे हो तो सबसे ज्यादा आपको ही, यानी सिर्फ और कोई देश में नहीं रहता, आप देश में कोई और नहीं रहता, मुसलमानों के भी खिलाफ है और लोगों के भी खिलाफ। अब अगर आपसे, अगर आपसे लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है तो ये बात वहां कहनी चाहिए ना जाके आपको। अब आप अगर इसे सिर्फ इसीलिए नहीं, आप जाइए ना वहां सुझाव, अभी आप ड्राफ्ट तो आने दीजिए, सुझाव और अभी दे दिया भाई, ड्राफ्ट तो आने दीजिए। हमारी तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि आप बैठिए, प्रधानमंत्री हमारे देश का है, लॉ कमीशन हमारे देश का है, वहां जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। कहां भेदभाव की बात करके सिर्फ, अरे वोट बैंक की राजनीति कलीम साहब नहीं करनी चाहिए। अरे आप वहां बात, आप एक, एक कारोबारी आदमी हो और राजनीति भी कर रहे हो तो कम से कम मुसलमानों को उनके हाल पर रहम खाओ भाई। आप पठान नहीं हो, ये तो इनका तो जमाना सब लोग जानते हैं। अरे 341 पे ओवैसी साहब कभी नहीं बोले पार्लियामेंट के अंदर, सबसे कभी नहीं बोले। और अभी जो गरीब मुसलमानों की बात हमारे, जो हमारे भाई कर रहे थे तो वो उन्हें कह रहे थे कि तुम कहां से आ गए, यानी कमजोर मुसलमानों को जीने का हक नहीं है, उन्हें कयादत करने का हक नहीं है, उन्हें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष होने का हक नहीं है। जिनका 2% एक मिनट रुक जाइए, अब जिनका हवाला दे रहे हैं, मैं जरा उनसे उनका बात कर लूं। फयाज अहमद फैजी साहब, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, अभी जो कलीमुल हफीज साहब कह रहे हैं मुसलमान से भी जुड़ रहे हैं, पूरे देश से भी जुड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, या ये कौन सा सोर्स है, क्या सरकार की तरफ से कोई कंफ्यूजन हो रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से कोई कंफ्यूजन हो रही है कि यूसीसी का नाम आया तो ये हो गया मुसलमान विरोधी? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विशेष रूप से उसमें सबसे अग्रणी हैं देश को भ्रम की स्थिति में डालने में। यूसीसी आएगा, एक तो बात सबसे समझिए कि धर्म में जो हस्तक्षेप की बात होगी, मैं उस पर बात कहना चाह रहा हूँ। कोई भी धर्म हो, कोई भी शरिया कानून हो, अगर किसी नागरिक के नागरिक अधिकारों का हनन करता है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर हस्तक्षेप करके अपने नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। शरिया कानून जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक दो मैंने उदाहरण दिया अपनी पहली बात में, जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो राज्य की जिम्मेदारी। यहाँ पे आप धर्म नहीं ला सकते, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको नरबलि है, अगर किसी के धर्म में है कि हम नरबलि देंगे और वो सरकार उसके खिलाफ कानून ले आए, वो तो वो जस्टिफाई करे कि नहीं आप हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम नरबलि देंगे, तो ये नहीं चलेगा। राज्य है और राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि नागरिकों के अधिकारों का वो जो है रक्षा करे। और यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें बहुत से ऐसे कानून है जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। तो आप हमको मुसलमान है इस आधार पर अगर भेदभाव होगा तो ये संविधान में है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक हिंदू जो यूनाइटेड फैमिली वाली बात बता दूँ, पसमानदा इस देश का जो मुसलमान है वो 90% है, उसका कल्चर भारतीय कल्चर है और वो संयुक्त परिवार में रहता है। तो जब संयुक्त परिवार में रहता है तो हिंदू समाज को टैक्स में छूट मिलती है, पसमानदा समाज को नहीं मिलता। तो ये जो धर्म के आधार पे भेदभाव है, यूसीसी आने से ये भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, सार्थक बात करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए, यहाँ लोग बैठ के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक रटी रटाई बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। आप इतना अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कुछ बताइए किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, चर्चा होनी चाहिए, अभी से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जा रही है तो इसके पीछे का मकसद क्या है? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज मुकाबला की इस बहस के बाद ये तो तय हो गया कि अभी सरकार यूसीसी लाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, तमाम समुदायों से सुझाव लेना चाहती है, उसके बाद यूसीसी सरकार लेकर आएगी। इंतजार उत्तराखंड में पेश होने वाले ड्राफ्ट का भी किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक वर्ग है जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक वर्ग है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूसीसी आया तो ये मुसलमानों को टारगेट करना जैसा होगा, अगर यूसीसी आया तो ये एंटी मुसलमान होगा।